एशियन न्यूज के doctors.com में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन, इन सारी चीजों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही चीजें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आज इन्हीं सारी चीजों का निवारण करने हेतु ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए, इन सारी बातों को आज हमें बताने के लिए doctors.com इस शो में हमारे साथ है डॉक्टर राहुल गांगली। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से जुड़ा होगा कि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी पूरे जो एकेडमिक करियर था इसके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा नाम राहुल गांधी है, मैंने BDS मॉरिशस से किया है और मैंने MDS सावंगी मेघे से किया है, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद मैंने अपने डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इम्प्लांट और डी एडिक्शन इन टबैको में किया है, और उसके उसके बाद मैं 8 साल से नागपुर में ही सेटल हुआ हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपनी प्रैक्टिस चला रहा हूँ। बहुत खुशी हुई सर आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें जान के। बहुत बार सर ऐसा होता है कि लोगों को ओरल हेल्थ का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि मतलब आखिर एक्चुअली ओरल हेल्थ क्या होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ओरल हेल्थ एक्चुअली क्या होती है। ओरल हेल्थ इज लाइक अ गेटवे टू द जनरल हेल्थ। जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है और हमारे घर के अंदर हम एंट्री करते हैं, तो जो एंट्री करते हैं वो ओरल हेल्थ को डिटरमाइन करता है। हम उसको जितना क्लीन रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा घर, हमारा जनरल हेल्थ कैसा है। तो बेसिकली नॉर्मल अपना डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का जो होता है वो, और नॉर्मल ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से हम अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम ओरल हेल्थ को मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, और उससे इट इज़ अ गेटवे फॉर द पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल इन्फेक्शन, वो हमारे बॉडी के मुंह के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। और जैसे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा के थ्रू वो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में जा सकती है, और गम्स होते हैं, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं। तो माउथ से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में जा सकते हैं, और जनरल हेल्थ का पूरा कोरिलेशन ओरल हेल्थ से है। ओके सर, कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स हर रिलेटेड कोरोना केस में आ रहे हैं, इसी में डेंटल से रिलेटेड क्या सिम्टम्स कोरोना के टाइम पे होते हैं? सबसे पहले तो कोरोना के, जब हमको कोरोना होता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमें आते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल होता है, जिसके अंदर हमको ड्राइनेस ऑफ द माउथ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। देर कैन बी अ मोबिलिटी ऑफ टीथ, हैलिटोसिस, जो हम हैलिटोसिस को हम बदबू आना, मुंह से बदबू आना उसे कहते हैं, और जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस, ऐसे कई प्रकार के इन्फेक्शंस और सिम्टम्स, साइटो सिम्टम्स हमें मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। ओके सर, इस कोरोना के टाइम में जब हमें डेंटल हेल्थ हमारी मेंटेन करनी हो, अगर हमें कोविड हो गया हो, तो वो कैसे मेंटेन की जाए? ये बहुत सिंपल है, जो हम एजेस से करते आ रहे हैं वही हमें करना है। सिर्फ इस बार हमको मोर रिलीजियसली व अच्छे तरीके कॉन्शियसली सब चीज़ें करना है। तो पहले, सबसे पहले हमको, जब हम ब्रशिंग करते हैं तो हमको 2-2 का रूल फॉलो करना है। 2-2 का रूल मतलब 2 times a day and for 2 minutes, सुबह और शाम को, रात को सोने के पहले हमको ब्रशिंग अच्छे से करना चाहिए। दूसरी बात है, हमको फ्लॉसिंग करना चाहिए। फ्लॉसिंग करना का मतलब होता है कि दांतों के बीच में कुछ जब फंसा हुआ रहता है तो हमें उसे फ्लॉस के दौरान उसको निकालना चाहिए, तो फ्लॉस प्रॉपर कैलकुलस उससे निकल जाता है और माउथ मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ है वाटर फ्लॉसिंग। जब हम कुल्ला करते हैं, पानी लेते हैं, कुल्ला करते हैं, तो उसको विगरसली हमने मुंह के अंदर रख के गार्गल करना चाहिए, सो दैट आर पार पानी जाए और मुंह के अंदर जो भी कीटाणु कचरा रहे है वो निकल जाए। उसके बाद जब भी हम स्टिकी फूड खाते हैं हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशन और वाटर पे ज़्यादा कंटेंट पे जोर देना चाहिए, वाटर कंटेंट पे, क्योंकि जितना हम अपने माउथ को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ही, क्योंकि डिहाइड्रेशन के स्टेट के अंदर देर इज़ अ इंक्रीज नंबर ऑफ पैथोजेंस होते हैं।
जब हम ब्रश ब्रश करते हैं तो ब्रश को हमें 45 डेज ही यूज करना चाहिए। नॉर्मल भी हम 45 डेज यूज करना चाहिए, और अगर हमको कोविड हो जाता है तो हमने इमिजिएटली आफ्टर कोविड होने के बाद हमने उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अपना ओरल पर्सन हाइजीन जो किट रहता है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए। घर के कोने में साफ सुथरी जगह पे हमने अपना ब्रश रखना चाहिए। ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमको मायने रखती है। सर, ये भी देखा गया है कि इस कोविड टाइम में बहुत लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर आपकी राय में जानना चाहती हूँ। नहीं, डेंटिस्ट के पास जाने से डर रहे इसलिए क्योंकि मुंह के अंदर ही देर इज कोविड के जो पैथोजेंस है वो नोज और मुंह के थ्रू ही जा रहे हैं, और डेंटिस्ट का काम ही है कि मुंह के अंदर करना। तो सब लोग सब काम मास्क लगा के कर सकते हैं, पर डेंटिस्ट लोग मास्क लगा के काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो और डेंटिस्ट के डेंटल के अंदर प्रोसीजर्स के अंदर एरोसोल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एरोसोल प्रोडक्शन के कारण देर इज अ मोर चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू डॉक्टर और फ्रॉम डॉक्टर टू पेशेंट और फ्रॉम डॉक्टर टू नर्सेस एंड पूरे एनवायरमेंट के अंदर वो इट इज़ नॉट अ सेफ एनवायरमेंट। इसलिए उसको डर लग रहा है कि हमें जाना नहीं चाहिए। और ऐसा भी है कि जब हमको कोविड हो जाता है तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड 45 डेज गोइंग टू द डेंटल क्लिनिक्स, स्पेशली अगर आपको इमरजेंसी नहीं हो तो। जो इलेक्टिव प्रोसीजर है हमको उसको डिफर करना चाहिए, और जितना हो सके है आजकल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होते हैं, टेली डेंटिस्ट जो कहा जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए। दैट इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ लाइन इन टूडेज एरिया। सर, म्यूक्रोमाइकोसिस, ये एक नई बीमारी हम लोग देख रहे हैं, क्या रिलेशन है इसका डेंटल से, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। देखो, म्यूकोरमाइकोसिस इज अ अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन है। जो पेशेंट कोविड में हॉस्पिटलाइज हुए हैं और जो जिन्होंने ऑक्सीजन लिया है ह्यूमिडिफायर्स के अंदर जब लिया है, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उसे इम्यूनो सप्रेंट हो जाता है बॉडी, और इन इसके चलते जब भी इम्यूनो सप्रेंट होता है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है नोज के अंदर सबसे ज़्यादा कारण इसे साइनसिस के अंदर जाता है, और वो माउथ के थ्रू पैलेट से पैलेट माउथ के थ्रू पैलेट में जाता है, पैलेट के थ्रू नोज, नोज के थ्रू ऑर्बिट, ऑर्बिट के थ्रू हेड में जाता है। तो इसलिए जब म्यूकोर ये जो पर्टिकुलर चीज़ें है, पेशेंट अचानक आफ्टर कोविड से ठीक होने के बाद कुछ दिनों बाद कंप्लेन करता है, देर इज अ मुंह से बदबू आना, मल्टीपल एब्सेस होना मुंह के अंदर, अचानक दांत हिलना, और ऐसे सब कारणों से वो डेंटिस्ट के पास जाता है कि इमिजिएटली मुझे ऐसा क्यों हुआ है। तो अरे इसी को पता लगा, यही चीज़ हम जब देखते हैं तो हमको इनिशियली डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है म्यूकोर माइकोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन का। सर, ये चीजें भी देखी गई है कि बहुत बार लोगों को डेंटल चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बट वो सोचते हैं कि हमें घरगुती जो उपाय है वही करने चाहिए, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो सोचते हैं कि यार वहां पे जाने के बाद एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा और कुछ होगा नहीं, तो इन बारे में मैं जानना चाहती हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये है। घर घर के उपाय करते हैं, एक तो गूगल डॉक्टर है, एक तो सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं और गूगल डॉक्टर बन जाते हैं। तो इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बट निग्लिजेंस इज, आप निग्लेक्ट करते हो उसको वो और आगे बढ़ते जाता है। घर के उपाय करते हो, स्वेलिंग बढ़ाते हो, बाम लगाते हो और लवंग डालते हो मुंह के अंदर, क्लोव ऑयल डालते हो, ये सब चीजें करने से मसूड़े जला देते हो, और जब वो पेन कम नहीं होता है, क्योंकि डेंटल ये जो है वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है। कुछ पीरियड के लिए हम उसको डिफर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, पर हमको उसके अंदर इंटरवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट इंटरवेंशन हम उसकी कैविटी को बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो आपको दवाई देंगे और कैविटी निकल जाए तो दांत में पेन ना हो। तो घर के उपाय करने से नुकसान ही होता है, और वो नुकसान इनिशियल स्टेजेस पे कम होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए इट इज नॉट एन नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बट निग्लिजेंस। सर, एक बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चों में ऑब्वियसली मतलब चॉकलेट खाए तो दांत के जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें बोली जाती है, तो बच्चों का अगर डेंटल हेल्थ हमें देखना हो, ओरल हेल्थ हमें मेंटेन कराना हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या बेसिक चीज़ें? बच्चों के लिए स्पेशली
छोटे बच्चे जो है घर में 2 साल के नीचे हैं, उनको गर्म पानी के कुल्ले करवाने जरूरी है, या फिर उंगली के अंदर कपड़ा लगा के गर्म पानी डाल के उनके मसूड़ों के जो हैवी मसूड़े हैं उनको साफ कर देना चाहिए। तो वो बेसिक लेवल पे काम होता है। और घर में लॉकडाउन के घर में रहने के कारण खूब ज़्यादा स्नैकिंग की हैबिट हो गई है, स्टिकी फूड्स की हैबिट हो गई है, जिसको हमको जब भी हम खाते हैं करते हैं तो बच्चों को रीइन्फोर्समेंट मोटिवेट करना चाहिए कि कुल्ला करने की आदत डालना चाहिए। जब ये आदत हम इनिशियल स्टेजेस पर डाल देते हैं तो उनको कैरीज होने की चीज़ें, बाकी चीज़ें प्रॉब्लम्स होने की कम हो जाता है। और जब भी हम जब ब्रश करते हैं तो नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, हमको उस पर रीइन्फोर्स करना चाहिए बार 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 बार। पेरेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उनको इन चीजों सब बारे में बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है और उनको ये सब चीजों बारे में समझता है। ओके सर, एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है ओल्ड एज के, इसमें जब हम पहुंचते हैं तो उस टाइम पे भी डेंटल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिर जो पेशेंट डेंचर लगाते हैं तो इनको बार बार हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डिहाइड्रेशन के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और जब डिहाइड्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मुंह सूखता है, और मुंह सूखने के कारण पैथोजन ज़्यादा एंटर करते हैं माउथ के अंदर, जिसके कारण मुंह के अंदर जलन होना, छाले आना, इरिटेशन होना, बर्निंग माउथ सिंड्रोम जैसे चीज़ें होना, ये होते हैं। तो हम पानी का जो उपयोग है वो ज़्यादा करना चाहिए, और ज़्यादातर तो नमक पानी के कुल्ले जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। सर एक लास्ट सवाल मेरा आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म से BCN के थ्रू आप लोगों को डेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से बेसिक उनका जो ओरल हेल्थ है उसकी केयर लेनी चाहिए। देखिए, जब आपको कोविड के टाइम्स के अंदर कोविड आयोडीन करके 2% माउथ वॉश जो है वो यूज़ करना चाहिए हमें, और नेसल इरिगेशन करना चाहिए 0.5% से, क्योंकि उससे म्यूकोसा लाइनिंग, नेसल जो नेसल लाइनिंग है वो अच्छा रहता है। बार बार हमें कुल्ला करना चाहिए, जिसके कारण माउथ के अंदर कुछ भी ज़्यादा चीज़ें रिटेन ना रहे, चाहे वो टार हो या कैलकुलस हो, फूड पार्टिकल्स हो, उस चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई का जो है हमने प्रयोग करना चाहिए। न्यूट्रिशन काउंसलिंग और डाइट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, हमने उसको हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायबिटिक कंट्रोल में रहना, डायबिटिक्स का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है इस दौरान, कोविड के दौरान बीच, क्योंकि उसके अंदर जिंक की मात्रा कम होने के कारण कोविड उस पर ज़्यादा अटैक करता है और उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक सो देर विल बी मच प्रॉब्लम विद दैट। डॉक्टर राहुल गांधी से हमने अभी बात की, जिन्होंने हमें ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हेल्थ हाइजीन के बारे में सारी चीजें समझाई। ऐसे ही डॉक्टर से हम आपको हमारे doctors.com इस शो में रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।